हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं मधुरिमा, आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री धर्मचंद चैनल पर हम आपके लिए लेकर आए हैं आज के करंट अफेयर, यानी कि 18 अक्टूबर के करंट अफेयर, जो इस प्रकार है। पहला प्रश्न आ रहा है आपके स्क्रीन पर, ये रहा। छठी बार गोल्डन बूट का पुरस्कार किसने जीता है? इसमें जो सही उत्तर ऑप्शन दो, यानी कि लियोन मेसी ने छठी बार गोल्डन बूट का पुरस्कार जीता है। बार्सिलोना के कप्तान लियोन मेसी ने पेरिस सेंट जर्मेन के कायलियन बबापे को पछाड़ कर लगातार तीसरी और कुल छठी बार गोल्डन बूट का पुरस्कार जीत लिया है। यह पुरस्कार यूरोपीय लीग में सर्वाधिक गोल करने वाले को दिया जाता है। मेसी ने पिछले साल 36 गोल दागे थे, जो कि मबापे से 3 अधिक हैं। अर्जेंटीना के 32 वर्षीय फुटबॉलर मेसी लगातार तीसरी बार यह पुरस्कार जीतने वाले दुनिया के पहले फुटबॉलर बन गए हैं। मेसी ने पिछले महीने ही फीफा का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का खिताब भी अपने नाम किया। मेसी के प्रतिद्वंद्वी क्रिस्टियानो रोनाल्ड ने यह खिताब 4 बार जीता। प्रथम श्रेणी क्रिकेट में दोहरा शतक जड़ने वाले दुनिया के सबसे युवा खिलाड़ी कौन बने हैं? इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन 1, यानी कि यशस्वी जायसवाल। इसका सही उत्तर होगा बम्बई के यशस्वी जायसवाल। लिस्ट एक क्रिकेट में सबसे कम उम्र में दोहरा शतक जड़ने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। विजय हरारे ट्रॉफी सत्र में पदार्पण कर रहे 17 साल 292 दिन के यशस्वी ने झारखंड के खिलाफ 154 गेंदों में 12 छक्के और 17 चौकों की मदद से 203 रन की रिकॉर्ड तोड़ पारी खेली। यशस्वी ने दक्षिण अफ्रीका के एलन बेरी के 44 साल पहले बनाए गए रिकॉर्ड को तोड़ा है। ये रहा आपके स्क्रीन पर हमारा दूसरा क्वेश्चन। न्यू बूटवाल से गोरखपुर ट्रांसमिशन लाइन बनाने के लिए किन दो देशों के बीच योजना शुरू हुई है? इसमें जो सही उत्तर होगा ऑप्शन 2, इसका सही उत्तर होगा यानी कि भारत और नेपाल। नेपाल के न्यू बूटवाल से गोरखपुर ट्रांसमिशन लाइन बनाने के लिए 6 माह के भीतर भारत और नेपाल एक कंपनी बनाएंगे। इसकी 100 KVA क्षमता के बराबर निवेश करने पर सहमति बन गई है। इसमें विश्व बैंक भी निवेश करने को तैयार हो गया। 6 माह में योजना शुरू होगी, जिसके निर्माण पर लगभग 2 अरब रुपए की लागत लगेगी। और ये रहा आपके स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन इस प्रकार। चीन अपना वैज्ञानिक अध्ययन किस ध्रुव पर शुरू करेगा? इसमें जो सही उत्तर होगा ऑप्शन 2, इसमें सही उत्तर होगा। देखिए दोस्तों, मैं सभी क्वेश्चंस के आंसर नहीं पढूंगी, क्योंकि बेकार में ऐसे समय की बर्बादी होती है, तो मैं सीधे ही आपको आंसर बता दूंगी और बाकी आप पढ़ लीजिएगा खुद ही, हम समझदार हैं। तो ये जो वैज्ञानिक अध्ययन करेगा चीन, ये दक्षिणी ध्रुव पर करेगा। चीन निर्मित ध्रुवीय वैज्ञानिक जांच के लिए आइस ब्रेकर जहाज शू ए लोंग नंबर 2 अपनी पहली यात्रा पर मंगलवार को रवाना हुआ। दक्षिणी ध्रुव पर चीन का वैज्ञानिक अनुसंधान जहाज के साथ यह 36वां अंटार्कटिक वैज्ञानिक अभियान है। अनुमान है कि यह जहाज मार्च 2002 में चीन वापस लौटेगा। चीन के 36वें अंटार्कटिक अध्ययन का दल 105 संस्थानों के 413 विशेषज्ञ दल के साथ रवाना हुआ। और चीन की जो राजधानी है बीजिंग, चीन के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, जो कि अभी 2 दिवसीय यात्रा के लिए भारत भी आए थे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में मंजू रानी ने कौन सा पदक जीता है? इसमें इन्होंने रजत पदक जीता है। इन्होंने ये विश्व चैंपियनशिप में पहली बार खेल रही मंजू रानी, जो 48 किलो भार वर्ग में खेलने वाली हैं, ने शानदार मंच लगाकर फाइनल में प्रवेश किया। और हालांकि 6 बार की चैंपियन रह चुकी एमसी मैरी कॉम को कांस्य पदक से ही संतोष करना पड़ा।
हार के बावजूद एमसी मेरी कॉम ने विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप में सर्वाधिक 8 पदक जीतने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। यानी कि ये ही एमसी मेरी कॉम विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप में सर्वाधिक 8 पदक जीतने वाली विश्व की प्रथम महिला बन गई हैं। और ये रहा आपका आपके स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन, ये रहा विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में किस भारतीय महिला मुक्केबाज ने सबसे अधिक पदक जीतने का रिकॉर्ड बनाया है। जैसा कि मैंने पहले आपको बता दिया था कि इसका जवाब सही जवाब होगा ऑप्शन डी, यानी कि एमसी मेरी कॉम ने विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में सर्वाधिक पदक जीतने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है और इन्होंने विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में सर्वाधिक 8 पदक जीते हैं। तो इसलिए एमसी मेरी कॉम विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में सर्वाधिक पदक जीतने का रिकॉर्ड बना चुकी हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। उत्तर प्रदेश के गाज़ियाबाद के गालंद में नगर निगम के साथ मिलकर कचरे से बिजली बनाने का प्लांट कौन से देश की कंपनी स्थापित करेगी। इसमें जो सही उत्तर होगा, इसका सही उत्तर ऑप्शन टू यानी कि नीदरलैंड की कंपनी इसका सही उत्तर होगा। गालंद यानी कि गाज़ियाबाद के गालंद में कचरे से बिजली बनाने का प्लांट लगाने के लिए नीदरलैंड की कंपनी और नगर निगम के बीच सोमवार को करार हो गया। जीसी इंटरनेशनल नाम की कंपनी गालंद में 2300 मैट्रिक टन कचरा रोजाना निस्तारित कर 45 मेगावाट बिजली उत्पादन करेगी। तो दोस्तों ये रहा आपके स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन, देखिए। भारत की पहली दृष्टिबाधित महिला आईएएस अधिकारी प्रांजल पाटिल ने किस जिले के उप जिलाधिकारी का पदभार संभाला है। इसमें जो सही उत्तर होगा तिरुवनंतपुरम, ये देश की पहली दृष्टिबाधित महिला हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। बीते दिनों किस राज्य की सिस्टर मरियम थ्रेसिया को उनके निधन के 93 सालों के बाद पोप फ्रांसिस वेटिकन सिटी में संत घोषित किया गया है। ये इनका इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन वन यानी कि ये केरल के त्रिशूल की रहने वाली थी। इनका जन्म 26 अप्रैल 1876 में जन्मे थ्रेसियाना को 1904 में मेरियम थ्रेसियाना नाम से पुकारा जाने लगा। उन्होंने मई 1914 में त्रिशूल में सिस्टरों के समूह होली मिलन की स्थापना की थी। सिस्टर मेरियाना का 50 वर्ष की आयु में 8 जून 1926 को निधन हो गया था। वहीं 9 अप्रैल 2000 को पोप जॉन पॉल द्वितीय ने इन्हें पवित्र आत्मा घोषित किया था। इनके द्वारा स्थापित हॉल ऑफ फेम में अब 2000 नन हैं। दोस्तों ये रहा अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, देखिए। बीते दिनों किस देश में हेसिबिस तूफान आया था। इसका सही उत्तर होगा जापान, इसका सही उत्तर होगा तो जापान में हेसिबिस तूफान आया था। तो दोस्तों ये रहा आपके स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन, देखिए। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किन्हें दिया गया है। इनमें अभिजीत बैनर्जी, एस्थर डफलो, माइकल क्रेमर यानी कि तीनों को ही अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। इनको यह पुरस्कार वैश्विक गरीबी दूर करने के लिए राह बताने के लिए भारतीय मूल के अमरीकी नागरिक अभिजीत बैनर्जी और उनकी पत्नी एस्थर डफलो और माइकल क्रेमर को 2019 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। इनको यह पुरस्कार वैश्विक गरीबी दूर करने के लिए तीनों को संयुक्त रूप से दिया गया है। इनमें भारतवंशी अमरीकी अमात्य सेन को यह पुरस्कार 21 सालों के बाद मिला है, यानी कि इससे पहले किसी भारतीय जो थे अमात्य सेन को 1998 में यह पुरस्कार मिला है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। भारत और चीन के बीच 2 दिवसीय वार्ता चेन्नई कनेक्ट महाबलीपुरम में हुई, उपयुक्त कथन पर विचार कीजिए। नंबर ए,
यह वार्ता भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति श्री शी जिनपिंग के बीच हुई एक अनौपचारिक वार्ता थी, यह सही है। और यह वार्ता तमिलनाडु में हुई, यह भी सही है। आतंकवाद RCEP सीमा विचार और सांस्कृतिक संबंधों पर जोर दिया गया, यह भी सही है। उपयुक्त तीनों कथन इसमें सही हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, सौरभ गांगुली से पहले BCCI के एकमात्र अध्यक्ष बनने वाले टेस्ट क्रिकेटर कौन थे? इनमें जो सही उत्तर होगा महाराजा कुमार विजयनगर, ये पहले अध्यक्ष थे जो BCCI के बने थे। और अब इसमें सौरभ गांगुली दूसरे BCCI के अध्यक्ष बने हैं। इस प्रकार हमारे जो करंट अफेयर हैं आज के 18 अक्टूबर के, ये समाप्त होते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक करना ना भूलिएगा। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।